ग्वालियर के एनपुर गांव शुक्रवार को गैस सिलेंडर फूटा, जिसमें घर की सारी चीजें सामान जलकर खाक हो गई। एक गरीब परिवार जो मेहनत मजदूरी करने वाला रोड पर इस हादसे में आ गया है। एनपुर गांव में दशहरे के दिन ही पावन पर्व की सुबह ही गैस सिलेंडर का स्फोट हो गया, जिसमें घर में मौजूद सामान और सारी चीजें जलकर खाक हो गई। एनपुर गांव जहां सुशीला बाई बारी और काशीनाथ जगन्नाथ बारी और दिलीप जगन्नाथ बारी इनका परिवार एक जगह पर वास्तव करने वाले घर पर सुशीला इस महिला के नाम पर भारत गैस कंपनी का उज्ज्वला गैस 15 अक्टूबर 2021 के दिन काशीनाथ बारी इनकी पत्नी घर में सुबह 7:30 बजे गैस पर चाय बनाते समय अचानक गैस लीकेज हुआ। दिमाग में आते ही समय घर में मौजूद परिवार की सदस्य के हड़कंप मच गया और भाग दौड़ चालू हो गई और घर में मौजूद सभी व्यक्ति घर के बाहर निकल गए। बस उसी क्षण गैस सिलेंडर स्फोट हुआ और जो नहीं सोचा था वही हुआ। घर के छत के सभी पत्र उड़ गए, घर में मौजूद सामान पूरी तरह खराब हो गया। दशहरे के दिन ही परिवार रास्ते पर आ गया और घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। उसी समय तहसीलदार उषा रानी देवगुनी, रावेल मंडल अधिकारी सचिन पाटिल, एनसेलकर मंडल अधिकारी सचिन पाटिल, तिलहाटी विजय शिरसाट, लक्ष्मी गैस मैनेजर, रावेल सरपंच जगह पर आकर घटना का पंचनामा किया। परिवार का कम से कम 1,27,000 का नुकसान हुआ है। पंचनामा करते समय तहसीलदार सारणी देवगुनी, इन्होंने परिवार को तत्काल मदद करने के आश्वासन देकर समय पर मौजूद राष्ट्रवादी महिला अगाड़ी प्रमुख माया बैन बारी, ग्राम पंचायत सदस्य अनिल जीतकर, पूर्व सरपंच भगवान महादेव दिनकर, मावले धनेश्वर महाजन, सुनील खैरे और कई ग्रामीण उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए तहसील रावेर से उमाकांत मराठे की रिपोर्ट।